melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale. Lovely people, welcome back to my channel. So today's video, I'm going to share a festive season Kutta's haul, because surrounding all the corner there have the festive Durga Puja, Navratri, Diwali and get together all party wear. So in today's video there have the dedicated people, those are extremely loving about their kurtas and passionate about to make the style with a different way in the same kurtas or plazos along with some accessories like earrings, bags, heels and all. For that kind of people or for that kind of female or woman, this video dedicated specially for them. So if you are like this person, so please stay tuned in my video. And today's video, I'm gonna share the 5 kurta exclusive in my all over the year. I have collected these 5 kurtas. It's given the amazing ambience according that particular festive look. So let us start. Okay, so my first kurta. I can show in this side, that video clips I have given in this side, that clips. Here you have seen that. This is the sea green color. There have the combination with that dupatta, which is Rani color dupatta, and it's given amazing festive look, which is those people are really very humble about the without any cut or without any kind of style, just casual kurta for that. ये वाला कुर्ता उन लोगों के लिए है जो डेली ऑफिस वेयर में भी पहन सकते हैं और पूजा सेशन में भी पहन सकते हैं और कोई भी अगर बहुत फार अवे इन्विटेशन हो जहाँ पे साड़ी पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उन लोगों के लिए ये कुर्ता है. तो इसमें देखिए आप लोग, बहुत ही डिटेलिंग लुक हम दिखाने वाले हैं ये वाला कुर्ता में. इसमें देखिए ये पूरा एकदम सी ग्रीन कलर का है. आई एम जस्ट लविंग दिस कलर, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड अबाउट दिस कलर. सो इसमें आपका पिंक कलर का जो आपका मूगा वर्क होता है वो भी दिया हुआ है. और हैंड पे देखिए, आप अगर ऑफिस वेयर करते हो तो यहाँ पे बटन भी लगा हुआ है. आप बटन पे टक करके हैंड को जो स्लीव है उसको 3/4 भी कर सकते हो और जो मतलब लेंथ है फुल लेंथ पे भी छोड़ सकते हो. तो इसके साथ आप बॉटम पे देख लो, बॉटम पे जो दिया हुआ है पूरा पैरेलल टाइप ऑफ दिया हुआ है. ये प्लाजो है बिकॉज नाउ ए डेज दोज आर चुस्ती और दोज आर सलवार, सो इट्स नॉट इन द ट्रेंड. नाउ ए डेज ऑल आर एंकल लेंथ प्लाजो आर इन द ट्रेंड अलॉन्ग विद दैट क्रूश वर्क. क्रूश का जो वर्क होता है उसमें दिया हुआ है. तो ये आप लोगों को दिखने को मिलेगा पैर की तरफ. और इसके साथ जो रानी कलर का दुपट्टा है, अमेजिंग गाइस, एक पूरा सोफिस्टिकेटेड फेस्टिव लुक दे रहा है. आप लोग भी ऐसे कुछ कलर ट्राई करके देखो. यू आर फीलिंग सो डिफरेंट, यू आर फीलिंग सो नाइस, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट आप अगर ये पहन के निकलोगे तो लोगों का नजर जरूर आएगा. क्या होगा ऐसे टाइप का मिक्स एंड मैच करके कुर्ता पहनने से, जरूर कॉमेंट कीजिएगा. और आप लोगों का स्टाइल हब में अगर ये वाला कलर है तो मुझे जरूर बताइएगा ये वाला कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को कैसा लगा. So now let us jump about that next series, my next kurta collection. This yellow color, guys, I just spellbound. This is also my obsession, this kind of yellow color. अगर आप लोगों को मिलता है, because this kind of match type of yellow color, और yellow color का क्या होता है ना, according the string, जो सूता आता है उसके हिसाब से, जैसे कि रेशम का हो जाता है, जैसे कि कॉटन का हो जाता है, different kind of string का color effect different होता है. तो इस हिसाब से मुझे लगता है ये वाला yellow color मेरे ऊपर बहुत अच्छे से suitable होता है. So for that, और ये जो सामने in front all the bottom दिया हुआ है, एक अलग सा segment किया हुआ है, और इसका cuts आप लोग देखिएगा, जो cuts है ये coat cut बोला जाता है, और बहुत से देश में इसको डिफरेंट टाइप ऑफ कटिंग बोला भी जाता है, एलाइन भी थोड़ा सा बोला जाता है, लेकिन ये कोट कट है. एग्जैक्टली जो बोला जाता है कोट कट, जो ऊपर से पूरा होता है, और इसमें जो है कपड़ा बहुत ही ज्यादा लगता है. ये वाला अगर आप लोग मतलब कुर्ता देखोगे बाजार में, फाइंड आउट करोगे, तो ये कॉस्टली होगा. तो इसका जो है कॉस्ट, आपका अमेजन का जो कॉस्ट है वो, तो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, क्या कॉस्टिंग है आप लोग अमेजन का लिंक से आप लोगों को पता चल जाएगा. जो भी हम कुर्ता दिखा रहे हैं वो मान लीजिए 1500 to 1800 के अंदर ही आ रहा है, जो आपका एक लग्जरी और सोफिस्टिकेटेड लुक देगा. और उसके साथ साथ मतलब आम नॉर्मल जो है उन लोगों के लिए भी ये सही में जाएगा. और अगर आप लोग जो बहुत ही रिच हो, जो ज़ारा, H&M ये सब का पहनते हो, उन लोगों के लिए भी ये आराम से चला जाएगा. सो हम पूरा चीज़ दिमाग पे रख के ही ये 5 कुर्ता मतलब सेट चूज किए, ताकि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल भी ये एक्वायर कर सकता है. तो इसमें देखिए, इसमें भी हैंड पे एक पूरा सा पट्टी दिया हुआ है, उसके ऊपर बटन का एक बॉगलेस भी दिया हुआ है, फिर उसके साथ साथ इसका कोट कटिंग दिया हुआ है.
जो आपका साइड पे दिखा रहा है, और ये भी हम प्लाजो के साथ ही स्टाइल अप किए। तो जो मेरा प्लाजो के साथ स्टाइल अप है, इसमें आपका व्हाइट कलर का हम प्लाजो पहने, प्लाजो में भी पूरा आपका वर्टिकल लाइन वाइज डिटेलिंग दिया गया है, अमेजिंग गाइस। और देखिए जो एक्सेसरीज है, इसमें इयररिंग भी डाले, ये वाला जो इयररिंग है ये हम अमेजोन का लिंक अगर मुझे मिलेगा दे देंगे, मेरे पास मेसो से हम परचेज किए थे, लेकिन ये मुझे पता है अमेजोन में भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो कॉस्टली वेबसाइट होता है उसमें भी ये वाला इयररिंग दिया गया है, तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोग एक वॉच पहन लो और उसके साथ साथ आप लोग एक बैंड पहन लो, या तो फिर कुछ इस तरीके का पहन लो, तो मेरे पास जो है इयररिंग्स के साथ साथ हम ये वाला वॉच हर एक चीज में अभी डाल रहे हैं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है ये वाला वॉच, और इसका जो मतलब गोल्ड प्लेट है इतना अच्छा ये गोल्ड प्लेट है, ये आप लोगों को मतलब एक होता है रोज गोल्ड का, रोज गोल्ड नहीं है लेकिन ये जो गोल्ड का कलर है ये पूरा इंडियन जो स्किन है उसमें पूरा सूदिंग, एक सूदिंग होगा, एक सूटेबल होगा, आप लोग पहनोगे तो आप लोगों को एक अलग सा फील आएगा। सो दिस काइंड ऑफ सेटिन कुर्ता यू कैन मेक दैट ऑफिस वेयर, और इसके साथ साथ आप लोग पूजा पैंडल में भी पहन सकते हो, या फिर दिवाली में या फिर नवरात्रि में भी ये इस टाइप का कुर्ता आप यूज कर सकते हो। सो चलिए जंप टू द नेक्स्ट कुर्ता से, ये भी पहले येलो की तरह सेम ही है, रॉयल ब्लू कलर का है, इसमें भी डिटेलिंग दिया गया, इसमें कॉलर दिया गया है, हम पहले ही बोले थे आप मेरा जो चूजेबल कुर्ता है ना तो के सिर्फ गरबा के लिए है, ना तो के सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए है, और ना ही सिर्फ ऑफिस वेयर के लिए है, मेरा जो चूजेबल थिंग्स है वो आप लोग सब टाइप ऑफ ऑकेशनली आप लोग इसको स्टाइल कर सकते हो। और स्टाइल ट्यून उसी को बोला जाता है जो मतलब एक सिंपल चीज को अलग तरीके से इनोवेट करके उसको परफॉर्म कर सके या फिर उसको रिप्रेजेंट कर सके, तो इसको ही स्टाइल ट्यून बोला जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें हम जो हैंड पे जो बिट्स का हम बैंडल पहने थे, एक्सेसरीज जो था, इसमें मेरा इयररिंग आप लोग देख सकते हो, इयररिंग मेरा चेंज है इसमें, और इसके साथ साथ देखिए आप लोग जो इसमें भी बटन का डिटेलिंग दिया हुआ है ये वाला बटन का, और ये हम व्हाइट कलर के प्लाजो के साथ पहने। और हेयर का स्टाइल देखिए, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ओपन हेयर भी रख सकते हो, दैट इज अप टू यू, योर बॉडी कट, योर फेस कटिंग, ये डिपेंड करता है कि आप लोग हेयर स्टाइल कैसे करोगे। सो चलिए, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो लगता है हर एक कुर्ता मेरे लिए शोकेस है हर एक कुर्ता। और इसके बाद ये देखिए रेड कलर का दिखा रहे हैं, ये हम लोग गरबा के दिन और दुर्गा पूजा अष्टमी के दिन भी पहन सकते हैं, दशमी के दिन भी पहन सकते हैं। ये रेड कलर का जो कुर्ता है इसमें साइड पे बटन दिया हुआ है जो एक राजघराना टाइप ऑफ फीलिंग देगा, और इसका कटिंग जो है साइड पे कट है, दोनों साइड पे कट है, और मिडिल का कट वो भी थोड़ा सा साइड करके दिया गया। तो इसके साथ भी आप लोग ऐसे वॉच पहन सकते हो, या फिर कुछ चूड़ी पहन सकते हो, या फिर कुछ बैंडल पहन सकते हो, तो इन सबसे आप लोग एक्सेसरीज से स्टाइल कर सकते हो। यहाँ पे हम जो है इयररिंग जो है एक स्टोन वाला इयररिंग पहने थे, अगर आप हेवी कुर्ता में जाते हो तो उसमें आपका इयररिंग भी हेवी डालोगे तो वो ज्यादा क्लमजी दिखने को आएगा, मेरे ख्याल से, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है डिफरेंट पर्सन का। तो एक हेवी कुर्ता के साथ हम लोग थोड़ा एक्सेसरीज अगर हल्का रखें तो एक अलग सा ही मतलब खुद का जो पर्सनालिटी है वो अलग सा ही निखर के आ जाता है। तो इसमें देखिए हम हार भी, गले में हार भी डाले हैं, ये आप लोग मंगलसूत्र भी डाल सकते हो, कोई भी ऐसे मॉक चेन बोला जाता है जो लंबा वाला चेन होता है उससे भी आप लोग स्टाइल कर सकते हो। और दिस इज माई लास्ट कलेक्शन, ये जो है मेरा लास्ट कुर्ता कलेक्शन है, और हर एक कुर्ता के साथ हम दुपट्टा जो है अलग से लिए, आप लोग अलग कलर का दुपट्टा पहन सकते हो ताकि आपका कंट्रास्ट करने से एक अलग ही लुक आएगा। ये देखिए ऑरेंज कलर, दिस इज माई सबसे फेवरेट, और ये कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना, ये कलर कॉम्बिनेशन रेयर है, मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन खूब कम आप लोगों को दिखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा कलर कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से अभी तक बहुत ही कम है। तो इस हिसाब से ये वाला देखिए, ये आप लोग होली फेस्टिव में भी पहन सकते हो, और अगर डिफरेंट कलर का सूदिंग है जो दिन में भी पहन सकते हो, और इसको आप इवनिंग में भी ऐसे दुपट्टा हेवी वॉक दुपट्टा के साथ स्टाइल करके हम लोग इवनिंग में भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बाल को मतलब हेयर को ओपन हेयर छोड़ दिए थे, और इसके साथ साथ जो एक्सेसरीज था वो मेरा वॉच तो मस्ट है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में टाइम भी देखा जाता है, आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वॉच पहन सकते हो जो बैंडल के साथ आता है, और मेरा इयररिंग्स इसमें रेड कलर का इयररिंग्स डाले थे, और हम बस इसमें एक बिंदी यूज किए। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज कुर्ताज हॉल। और ये वाला जो लास्ट वाला कुर्ता है इसका हाफ कट है, मतलब बस अपर लेवल तक कट है, पूरा कुर्ता में कट नहीं डाला गया, और इसमें उडन बटन का स्टाइल डाला गया। तो कैसा लगा? और ये जो कपड़ा है लिनन वाला कपड़ा है, जो कपड़ा का मटेरियल है लिनन के ऊपर है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे ये कुर्ता हॉल आज के वीडियो का, जरूर कमेंट कीजिए। और जाहिर सी बात है अगर आप लोग इससे हटके कोई इनोवेटिव कुर्ता का आप लोगों को पता है तो वो भी आप लोग इंस्टा में मुझे टैग कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक आईडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो, और आप लोग अपना पसंद का जो भी आप लोग वीडियो किए हो मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो।
तो चलिए आज बस इतना ही। पूजा के टाइम पे ज्यादा किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी तो हम लोगों को दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, ऑफिस कैंडिडेट के साथ बाहर निकलना है। तो लेट्स गो एंड एंजॉय अवर पूजा, और फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वाला सेशन में। वैसे डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, लव यू ऑल, बाय।